हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से एक नए वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ मिल रहे हैं। और हाँ, अगर आप सबने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूले, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक से ही हमें पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं और हमें आगे वीडियो बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। और अगर आप हमारे आगे के वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी। एक्सप्रेस कंडीशंस आर दोस व्हिच आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये हुआ कि जो भी कंडीशंस एग्रीमेंट पेपर में दी गई है वो सारी कंडीशंस एक्सप्रेस कंडीशंस है। तो इससे उल्टा इम्प्लाइड कंडीशंस वो कंडीशंस है जो एग्रीमेंट पेपर में नहीं दी गई है। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इम्प्लाइड कंडीशंस कौन कौन सी है। 1. कंडीशन एज टू टाइटल। एक दिन की बात है दोस्तों, एक आदमी जिसका नाम था मिस्टर ए, उसने एक कार मिस्टर बी के पास से खरीदी। 2 महीने बाद पता चला कि वो कार तो चोरी की थी। अब ये केस कोर्ट में गया। कोर्ट ने ये कहा कि वो कार जो चोरी की थी उसे असली मालिक को दे दी जाए और मिस्टर ए को जो भी नुकसान हुआ है वो सब वे मिस्टर बी के पास से ले सकते हैं, क्योंकि कंडीशन एज तो टाइटल के मुताबिक मिस्टर ए को नहीं पता था कि वो कार चोरी की थी, इसलिए वे निर्दोष है और अपना नुकसान मिस्टर बी के पास से ले सकते हैं। 2. Sale by description. Act of sale of goods by description. There is implied condition that the goods shall correspond with the description. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चीज स्पेसिफिकली डिफाइन की हुई है तो वही चीज मिलनी चाहिए। मतलब कि आप बुक्स की दुकान पर जाकर कहे कि मुझे लो की बुक चाहिए, तो फिर ये कंडीशन है कि वो बुक लो की ही होनी चाहिए। इसे कहते हैं सेल बाय डिस्क्रिप्शन। 3. सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल का मतलब होता है कि जब गुड्स बल्क में होता है, मतलब कि सामान बहुत ही ज्यादा खरीदने का होता है, तब ऐसे समय यह दुकानदार हमें गुड्स के सैंपल दिखा देता है और उसमें से हमें पसंद करना होता है। तो हमारा लो ये कहता है कि वो गुड्स सैंपल के मुताबिक ही होना चाहिए। अगर गुड्स से मापल के मुताबिक न हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। सेल बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। तो चलिए इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आप दुकानदार के पास जाए और उनसे कहे कि मुझे 4 जेल पेन खरीदनी है। अब इसमें जेल पेन जो है वो आपके लिए डिस्क्रिप्शन है। अब दुकानदार आपको अलग अलग कंपनीज की जेल पेन का सैंपल दिखाएंगे और उसमें से आपको पसंद करना होता है। तो इस तरह यहाँ सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों की बात हो जाती है। 5. कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। तो स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तब ये इम्प्लाइड कंडीशंस है कि वो चीज क्वालिटी और हेल्थ के लिए अच्छी होनी चाहिए, और अगर वो चीज हेल्थ के लिए अच्छी ना हो तो वो चीज हम वापस कर सकते हैं या फिर डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। जब हम कोई भी चीज खरीदने के लिए पसंद करते हैं तब ये इम्प्लाइड कंडीशंस है कि हमें वही चीज मिलनी चाहिए जो हमने पसंद की थी। इसके लिए हम सब फ्लिपकार्ट और अमेज़न का एग्जांपल ले सकते हैं, और अगर पसंद की हुई चीज हमें न मिले तो हम उसे रिटर्न कर सकते हैं और डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं। कंडीशन एज टू होलसमनेस। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक बार एक आदमी मिस्टर ए ने मिल्क सेल किया मिस्टर एफ को, और मिस्टर एफ की वाइफ ने वो मिल्क पिया और वो मर गई। बाद में पता चला कि मिल्क में टाइफाइड के जर्म्स थे। अब ये केस कोर्ट में गया। कोर्ट ने कहा कि एज पर वो सिमनेस मिस्टर ए डैमेजेस पे करने के लिए लायबल है।
तो इस तरह कोई भी चीज हमारी हेल्थ के लिए खराब निकले तो हम डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं।